नमस्कार, आप देख रहे राजधानी समाचार। छतरपुर की जो चंदला विधायक है, वहाँ से नवनियुक्त विधायक हमारे साथ हैं, दिलीप अहिरवार जी, जो चुनाव जीत के आए हैं चंदला से। काफ़ी ऊर्जावान विधायक हैं, युवा हैं। भाई साहब, कैसे पहली बार टिकट मिली, पहली बार जीत के आ गए? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लगभग 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, विभिन्न पदों पर रहा हूँ और चंदला विधानसभा में मेरा निवास भी है और मैं रहता भी हूँ। 2018 में मैंने टिकट मांगी थी, मगर संगठन ने नई पार्टी ने टिकट नहीं दी थी। उसके बाद भी मैं निरंतर पार्टी के लिए काम करता रहा, संगठन के लिए काम करता रहा। संगठन ने मुझे टिकट दी और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो ऊर्जा के साथ मेहनत करके मुझे जिताया, तो निश्चित रूप से इसमें पूरा कार्यकर्ताओं का ही श्रेय है और पूरी ताकत कार्यकर्ताओं ने लगाई है। मध्य प्रदेश को नए मुख्यमंत्री मिले हैं, देखा जाए डॉक्टर मोहन यादव जी, क्या कहेंगे उनके लिए? शिवराज सिंह लंबे समय तक मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री रहे? देखिए, संगठन का निर्णय है हमारे शीर्ष नेतृत्व का, केंद्र नेतृत्व का, और जो निर्णय होता है वो सब कार्यकर्ता के रूप में हम सब लोग स्वीकार करते हैं। और निश्चित रूप से जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, हम लोगों को विश्वास है कि जिस माननीय शिवराज जी ने जो मध्य प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के काम किया, उसी के कार्य को निरंतर हमारे जो नए मुख्यमंत्री वो भी आगे मध्य प्रदेश के कार्य को बढ़ाएंगे और विकास की नई दिशा को मध्य प्रदेश की ऊँचाइयों तक ले जाएंगे। छतरपुर जिले से आप आते हैं, लोकसभा बी डी शर्मा जी की है क्योंकि सांसद हैं वहाँ से, क्या है इस बार लोकसभा में कहीं भी दूर दूर तक कांग्रेस नहीं बची? देखिए, पार्टी जो हमारी है, निश्चित रूप से चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार है, सबका साथ और सबके विकास को लेकर कार्य करती है। वो निरंतर गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर हम लोग जब कार्यकर्ता जाते हैं तो जो जनता का मन रहता है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहते हैं। और हमारे माननीय सांसद जी बी डी भाई साहब ने भी चंदला विधानसभा में बहुत विकास कार्य किए हैं और उसका भी परिणाम हम सब लोगों को मिला है, जो आज हम 15,500 के लगभग वोटों से जीते हैं। और निश्चित रूप से जब लोकसभा का 3-4 महीने के बाद चुनाव होगा तो निश्चित रूप से फिर ऐसी जीत होगी कि इतिहास दर्ज करेगी हमारी चंदला विधानसभा लोकसभा में भी। लोग कह रहे थे चंदला में कांटे का मुकाबला है क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बड़े बड़े नेता है आपके, अखिलेश यादव भी आए। मध्य प्रदेश में भी कह रहे थे कांटे की टक्कर है, वो लोग तो सपने देखते ही हैं, मगर सपने देखने का अधिकार सबको रहता है। हमारे पास कार्यकर्ता है, बूथ के लेवल का कार्यकर्ता है जो दिन रात काम करते हैं। हमने पहले ही बताया कि जितनी योजनाएं हमारी सरकार की चल रही है, हमारा कार्यकर्ता वो जन जन तक वह योजनाओं लेके जाता है, तो निश्चित रूप से हम लोग तो पूरे तैयार थे, विश्वास भी था कि हमारी सरकार भी बनेगी और हम लोग जीतेंगे। तो कांग्रेस तो सपना देखती है, उन्हें देखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चंदला विधानसभा के लिए क्या कहेंगे आप, इतना आशीर्वाद मिला आपको, बड़ा वोट मिला, चुनाव जीते? चंदला विधानसभा की जनता का बहुत बहुत आभार, वहाँ के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत ताकत लगाई और निश्चित रूप से जिस अपेक्षा के साथ उन्होंने मुझे जिताया है। चंदला विधानसभा विकास के मामले में कैसे आगे हो, जिले में सबसे नंबर वन विधानसभा बने, ये मेरा प्रयास रहेगा, निरंतर जनता के बीच में उनकी सेवा करता रहूंगा। दिलीप अहिरवार जी, देख सकते हैं युवा चेहरा है और युवा विधायक है, भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं, इनकी आशा यही है कि चंदला का विकास जुड़े। मास्टर न्यूज़ की रिपोर्ट, भाजपा कार्यालय भोपाल।